सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हनुमानगढ़ी के नागा साधु अब सड़क पर उतर आए हैं। हनुमानगढ़ी के नागा संजय दास के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में नागा साधु ने जूट का माला पहनाकर प्रदर्शन जुलूस निकाला और पुतला फूंककर राम नाम सत्य का नारा लगाते हुए अंतिम विदाई दी। रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद अब साधु संतों और जाति विशेष को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और टिप्पणी कर विवाद बढ़ा दिया है, जिसको लेकर अब साधु संत सड़क पर उतर आए हैं। हनुमानगढ़ी के संत स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते का माला पहनाकर पुतला लेकर सड़क पर उतरे साधु संत नया घाट तक जुलूस निकाला और लता मंगेशकर चौराहे पर पुतला दहन कर चेतावनी दी कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य माफी नहीं मांगे तो अंजाम और भी बुरा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्हें इस तरह से एक पार्टी में रह करके इस तरह से कार्य नहीं करने चाहिए। जिस तरह से उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया है, ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। अगर जो है स्वयं माफ़ी नहीं मांगे, इनको पार्टी से नहीं निकाला गया, तो निश्चित है इसके गंभीर परिणाम होंगे और उनको इसको भुगतना ही पड़ेगा। किसान को ये सोचना चाहिए कि जो शब्द हम बोल रहे हैं मर्यादापूर्ण है या नहीं है, उस हिसाब से उसको कार्य करना चाहिए। किसी जीव के ऊपर कोई भी आक्षेप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए व्यक्ति को।